अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। इनके तो कपड़े भीग गए, ऐसे रहेंगे तो और बीमार हो जाएंगे। शंकरा, हम दुनिया से अपने और सहरी साहब का रिश्ता चाहे जितना भी छिपा ले, लेकिन ये सच कभी नहीं बदल सकता कि वो हमरे पति है और हम उनकी पत्नी। उस सुहाग है हमरा, हमरे गले में मंगलसूत्र का पवित्र धागा बांधा है उन्होंने, हमरे माथे पे अपने नाम का सिंदूर सजाया है। इस जन्म में हम उन्हें अपना पति परमेश्वर और अपना सब कुछ स्वीकार चुके हैं, लेकिन हम श्रुति दीदी से भी बहुत ही प्यार करते हैं। उनकी खुशियां भी बहुत मायने रखती हैं हमारे लिए। उनका दिल दुखाने के बारे में तो हम सोच भी नहीं सकते, इसीलिए तो हम यहाँ से जा रहे थे सब कुछ छोड़ के। पर हमें रुकना पड़ा क्योंकि हमें सहरी साहब की जान बचानी थी, और इसीलिए हमने उनसे झूठ कहा कि हमें पैसे चाहिए। चाहे तो तुम हमरे प्राण ले लो, लेकिन हमरे पति की जान बख्श दो, उन्हें हमरी उम्र लगा दो शंकरा, लेकिन उनकी जान बख्श दो, उनकी जान बख्श दो। ठीक है ना?
काका। वो दरवाजा बाहर से बंद हो गया, हमने नहीं किया, हमें नहीं पता। काका दरवाजा खोलो। मीठा नहीं खा सकते। Why? क्योंकि इस लड्डू पे कश्मीरा दीन ने जहर मिलाया है। पैसों के लिए बेशर्मों की तरह इस घर में वापस आई हो ना तुम? ये लो। चाहे तो तुम हमारे प्राण ले लो, लेकिन हमारे पति की जान बच दो। ये तो हमारा मास्क है ही नहीं। इस साड़ी और मास्क से हम उस बच्चा चोर को पकड़ के रहेंगे। कृष्ण, ये एपिसोड देखिए YouTube पर रात 9:30 बजे। जितनी बार देखो इस लड़की का नया रूप दिखता है, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या सच है क्या झूठ। जानू मैं जाने है तू है अधूरे सिलसिले, जानू मैं जाने है तू है अधूरे सिलसिले, जानू मैं जाने। इसे तो बहुत तेज बुखार है। ना हो के भी है गिले, मिलके पतझड़ से लम्हों पे इस पल को खिलना ही था, तेरा है यूं तो जुदा पर हमको मिलना ही था, है साथ तो फिर ये मजबूरियां क्यों है, ये जानू मैं जाने तू है अधूरे सिलसिले, जानू मैं जाने तू ना हो के भी है गिले।
राज कश्मीर आदि। कश्मीर आदि मेरा सर। तुम ठीक हो? हाँ कश्मीर आदि, आप यहाँ कैसे? कल रात ही आई थी, आज सुबह काका ने बताया कि तुम दोनों भी यहाँ आए हुए, तो सोचा सरप्राइज दे दूँ। वैसे राज कहाँ है? कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। राज तो यही था, मॉर्निंग वॉक के लिए गया होगा। क्या बात है, नई नई शादी हुई है तुम्हारी और अभी से हाल है। वैसे एक राज की बात बताऊं, अगर उसे अभी से अपने पल्लू में नहीं बांधूंगी ना तो फूल हो जाएगा वो। कश्मीरा दी सच बोल रही हो? आप अब ढूंढे उसे? हाँ हा? राज, राज श्रुति मिल गया? नहीं पूरा घर तो देख लिया है, स्टोर रूम बचा है, देख ले चल के। हाँ आ जाओ। श्रुति मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम्हें पता है ना कि तुम दोनों की शादी अमान्य है, तो राज पर थोड़ा सा ध्यान देना होगा तुम्हें। जाओ अंदर और उस रेवा का खेल खत्म करो श्रुति। राज ये रेवा कहां चली गई? राज 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 उठो राज राज क्या हुआ तुम्हें? श्रुति क्या हुआ तुम्हें? रीमा हाँ आप यहाँ, आप कब आई? हाँ कल रात को आई थी मैं। राज दरवाजा तो बाहर से बंद था, फिर रेवा कहाँ जा सकती है? तुम्हें चोट लगी है? क्या हुआ है तुम्हारे साथ? तुम ठीक तो हो ना? राज कैसे लगी है चोट और तुम यहाँ क्यों सोए हुए थे? वो मैं कल रात को बाहर आया तो अचानक से बारिश शुरू हो गई, अंधेरे में मेरा पैर फिसला और मुंह के बल गिर गया, और पट्टी वट्टी करने के लिए यहाँ पे आया तो किसी ने बाहर से दरवाजा बंद कर दिया, यहीं सोना पड़ा मुझे। हे भगवान क्या हालत बना रखी है तुमने अपनी, ये लो ये पहनो, थैंक गॉड ज्यादा चोट नहीं लगी तुम्हें। तुम चलो रूम में चल के आराम करो, चलो। राज कोई और भी था क्या यहाँ पे? नहीं और कौन हो सकता है? तो फिर किसे ढूंढ रहे हो तुम? मैं बस ये देख रहा था कि इतनी गहरी आंख लगी कि जगह का भी होश नहीं रहा मुझे। चलो आखिर गई कहां ये लड़की? जमीन खा गई या क्या दीवारी निकल गई उससे? आपका बहुत बहुत धन्यवाद काका,
अगर आज आप हमें सही समय पर बाहर नहीं निकालते तो बहुत ही गजब हो जाता। उठो, आप चलो जल्दी। श्रुति दीदी के पति को हमारे साथ उस हालत में देखकर किसी को भी गलत फहमी हो सकती थी। फिर चाहे हम लाख सफाई देते, हम आपका ये एहसान कभी नहीं भूल सकते। आज आपने उनकी इज्जत बचा ली काका। हम तो पहले ही समझ गए थे कि कुछ गड़बड़ है, जब हमने कश्मीरा मैम साहब को दरवाजे पर कुंडी लगाते हुए देखा था। पर बेटा ये समझ में नहीं आ रहा कि आखिर तुम राज बाबा के पास पहुंची कैसे और कौन हो तुम? चौहान परिवार की तो नहीं लगती। परेशान मत हुई है दादी, रेवा समझदार और बहादुर लड़की है, जहाँ भी होगी ठीक ही होगी। क्या हुआ, अभी तक नहीं आई? उफ, ये लड़की भी ना बिल्कुल अलग नमूना है दादी। घर पे होती है तो भूकंप लाती है, और घर के बाहर जाए तो घर पे अकाल पड़ जाए। क्या हुआ पापा, आप परेशान क्यों हैं? क्या होगा दीदी, रेवा मैडम कल रात से गायब है, सुबह सुबह सबको जगा दिया नींद खराब करके। अरे तो वेट किस बात का कर रहे हैं, पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए ना, मिसिंग रिपोर्ट लिखवानी चाहिए। रिपोर्ट लिखवानी है तो चोरी की लिखवाइए कश्मीरा दीदी। गिरने वाला बैग, रेवा मेरी बच्ची, तुझे पता है मैं कितनी परेशान हो गई थी। आप बिना बताए कहां चली गई थी तुम? फार्म हाउस गए थे हम। फार्म हाउस काहे? आपने हमें नहीं देखा, आप भी तो वहीं पर थी ना। मतलब तुम भी गई थी क्या फार्म हाउस? जी भाभी। खानदान ही चला गया था क्या राज और श्रुति के स्वागत का गवाह बनने? अरे एक मिनट, पहले ये बताओ कि तुम्हें फार्म हाउस के बारे में बताया किसने? और क्यों गई थी वहां पे तुम? अभी बताते हैं। ये देखिए, ये तो राज की मां के गहने हैं। कल मैं बैंक के लॉकर में यही तो लेने गया था, पर वो लॉकर में ना ही थे क्योंकि आपके बैंक पहुंचने से पहले ही कश्मीरा दीदी ने इन्हें बाहर निकाल दिया था। और मौका देखते ही ये फार्म हाउस पहुंची थी इन गहनों को ठिकाने लगाने के लिए। वाह, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, मतलब खुद बैग लेकर आ रही हो और चोरी का इल्जाम मेरे ऊपर। चोर को चोर ना ही तो का कोतवाल कहेंगे।
मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही कि कोई ऐसे कुछ कहता क्यों नहीं है। कब से ये लड़की कश्मीरा की बेइज्जती करी जा रही है, और आप सब यहाँ खड़े होकर तमाशा देख रहे हैं। इसे बेइज्जती नहीं, आईना दिखाना कहते हैं। और वैसे भी हमने आप दोनों की बातें उस दिन कमरे में सुन ली थी। मुझे पता था वो आज या कल में बैंक जरूर जाएगा लॉकर्स चेक करने के लिए। उसके पहले मैं सब कुछ निकाल लाई वहां से, सब कुछ। इसीलिए हम छुप कर चले गए थे इनके पीछे फार्म हाउस। कहा हुआ कश्मीरा दीदी, काहे सोच में पड़ गई आप? क्योंकि आपने तो इन गहनों को बड़ी ही चालाकी से तिजोरी में ताला मार के रख दिया था ना, तो ये हमारे हाथ कैसे लग गए? उनका है ना कश्मीरा दीदी, कि अभी भी दुनिया में अच्छाई और सच्चाई का साथ देने वाले लोग बाकी हैं। अंकल जी उन गहनों के लिए बहुत ही भावुक हैं, इसलिए उन गहनों के पीछे पीछे हमें यहाँ तक आना पड़ा। क्योंकि ये गहने छोटी दीदी के पति और अंकल जी की अमानत है, उस पर किसी का हक नहीं, खासकर कश्मीरा दीदी का तो बिल्कुल नहीं। और ये गहने आंटी जी के हैं, जो अंकल जी तक पहुंचाने बहुत ही जरूरी है, क्योंकि वो उनके हैं। बेटा तुम तो बहुत नेक दिल हो, किसी अनजान व्यक्ति पर अपनी जान खतरे में डाल दी। बेटा तुम चिंता मत करो, कश्मीरा मैम साहब के रूम से गहने निकलवाने में हम तुम्हारी मदद करेंगे। राज बाबा की माँ के बहुत एहसान है हम पर, शायद यही वक्त है उस एहसान को चुकाने का। आपका बहुत बहुत धन्यवाद काका, बहुत बहुत धन्यवाद।